शिवपुरी जिले में सेल टैक्स की टीम ने विमल गुटखा से भरे ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। उक्त ट्रक में जीएसटी चोरी कर विमल गुटखा भरकर दिल्ली से उड़ीसा ले जाया जा रहा था। सेल टैक्स इंस्पेक्टर प्रदीप यादव ने बताया कि बीते रोज उन्हें सूचना मिली थी कि ट्रकों में भरकर गुटखा की खेप दिल्ली से उड़ीसा पहुंचाई जा रही है। बीते रोज जिस ट्रक की सूचना मिली थी वह नहीं मिला, लेकिन शाम के समय लुकवासा चौकी क्षेत्र के कुल्हाड़ी गांव के पास पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक को रोककर चेक किया गया तो उसमें विमल गुटखा और जर्दा भरा हुआ था। ट्रक ड्राइवर ने गुटखा की बिल्टी दिखाई थी, लेकिन ड्राइवर के पास ई वे बिल नहीं था। इससे यह स्पष्ट हुआ कि जीएसटी चोरी कर ट्रक में गुटखा भरकर ले जाया जा रहा था। ट्रक में 78 लाख रुपए का विमल गुटखा और जर्दा भरा हुआ था। सेल टैक्स की टीम ने ट्रक सहित गुटखा जर्दा को लुकवासा चौकी के सुपुर्द कर रखवा दिया है। ये विमल के पाउच थे इसमें, इसको हमने परसों पकड़ा था ये पेट्रोल पंप से थाने के थोड़ा आगे से। तो पाउच है बिल्कुल सारा माल नंबर 2 का था इसमें। विमल के लगभग 200 कट्टे हैं इसमें विमल पाउच के। वो निकालते हैं पूरा कैलकुलेशन कितने का माल है क्या है, और 50 कट्टे इसमें उसके थे जर्दे के जो विमल के साथ यूज होते हैं। तो पूरा कैलकुलेशन निकलेगा, उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। परसों से डिटेन है ये गाड़ी। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रही थी ये गाड़ी? ये यहाँ से भुवनेश्वर जाना बता रहा है दिल्ली से, बट मुझे नहीं लगता ये भुवनेश्वर जा रही थी, शायद भोपाल उतरता माल। अच्छा, कार्रवाई कितने लोगों पर हुई है? कार्रवाई इसमें हम माल पे करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं। टैक्स पे जो भी पेनल्टी होती है वो कैलकुलेशन करेंगे अमाउंट का, और फिर उस पर पेनल्टी लगाते हैं। तो अभी कैलकुलेशन होगा, अभी इसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे थे जो इसके अंदर कितना माल है, ये भी आइडिया लगना चाहिए। कई बार ये बिलों पे जो रहता है माल कम होना बताते हैं, तो इसमें बिल के अनुसार माल तो उतना ही है जितना बिल पर बता रहे थे, बट इनका ई वे बिल नहीं था। तो ई वे बिल नहीं होने की वजह से इस पर कार्रवाई होगी।